ठीक रहते तो ये गांव का ही हालत मटका या गांव का नहीं रहता। साल लगा रात चल के राम सागर में सर्दी जगह के मिल गए थे किसी ने एक को बाजा दी मुखिया जी चुनाव के मैदान में खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज के चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुंचे हैं अंडाठाड़ी प्रखंड के मड़ुकिया पंचायत प्रसिद्ध महंत राजेश्वर गिरी का यह पंचायत मड़ुकिया मठ यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। महंत राजेश्वर गिरी के द्वारा बनाया गया मठ, कभी हम उस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर और हम बात करेंगे केवल चुनावी मुद्दे की, आगे जनता की राय भी जानेंगे इस पंचायत की, जनता की बारी में। सबसे पहले यहाँ से बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आए हैं शिवनाथ यादव युवा समाज से भी लगातार वर्षों से पंचायत की राजनीति में सक्रिय हैं, समाज की सेवा करते आ रहे हैं। इस बार चुनाव के संभवतः ये तीसरी बार पंचायत चुनाव में आए। सबसे पहले हम उनसे का परिचय कराते हैं, फिर आगे उनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दे पर। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चौथा स्तंभ डिजिटल टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज मौका दिए हैं उन्होंने दो शब्द बोलने के लिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय पूरा व्यक्तित्व समेत परिचय आप अपनी जनता और हमारे दर्शकों को। धन्यवाद करना चाहूँगा जनता मालिकों से। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, मेरा नाम शिवनाथ यादव है, मेरा गांव सिगियोन है, प्रखंड अंडाठाड़ी मड़ुकिया पंचायत के अंतर्गत आता है। शिवनाथ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बार आप पहली बार चुनाव के मैदान में हैं या इससे पहले भी आप पंचायत चुनाव में आए हुए? नहीं नहीं, हम इससे पहले भी कर चुके हैं और इस बार भी हम चुनाव में। पहली बार पंचायत चुनाव कब लड़े थे? देखिए, 2011 से हमारा ये चुनाव मैदान में उतरना हुआ था। जो पहली बार मेरी पत्नी रेखा यादव थी जो उस टाइम पर महिला सीट था इसकी वजह से, और दूसरी बार 2016 में मैं खुद उतरा था और इस बार 2021 में मैं स्वयं खुद से पंचायत में आया। हम आपसे पंचायत चुनाव में आने, चुनाव लड़ने के कारण भी जानना चाहेंगे, आप क्यों पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, पंचायत जो 2001 से पंचायती राज सुरक्षित रूप से सुचारू हुआ है, इससे हम देख रहे हैं कि पंचायत में जो सरकार अपनी तरह से जो योजनाएं मुहैया करवाते हैं उसका सही रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। सरकार अपने तरफ से सब योजना देते हैं लेकिन यहाँ पे नौजवान मुखिया या जो भी प्रत्याशी हैं वो सही ढंग से उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है। पंचायत की जो सरकार है वो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सही से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा, और आप उसी को सही से क्रियान्वयन करने के लिए पंचायत चुनाव के लिए मैदान में आए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके चुनावी मुद्दे क्या थे? अगर आप इस बार चुनाव के मैदान में आए हैं, जनता ने आपको समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, तो आप पहला कौन सा काम करेंगे, आपके चुनावी एजेंडे में क्या सोचा? देखिए, जनता मालिक को तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे एक बार मौका दें, और मैं सबसे पहला जो स्थिति देख रहे हैं जो कहीं कहीं पर गली का सही से हुआ है, कहीं पे पानी जल जमा हो रही है, वहाँ पे पानी निकासी का काम अच्छा से करवाने का कोशिश करूँगा। और जहाँ पे जैसे कि
हर एक पूरे पंचायत में कहीं बहुत जगह ऐसा है जो अंधेरा है, जो सार्वजनिक जगह स्थल पर सीसीटीवी कैमरा का लगाना चाहिए, जिससे कि सुरक्षा के रूप से महिला पुरुष जो बुजुर्ग हैं उनको सुचारू रूप से सुरक्षा मिले। और जो अच्छा आप ये बताइए कि निवर्तमान का जो पार्सल का कार्यकाल रहा है वो कितना संतोषजनक रहा है? देखिए ये तो जनता सब जनता ही समझ सकता है कि क्या सुचारू हुआ है, कितना सफल हुए हैं वो। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने पंचायत में घूमा हूँ, सर्वे किया हूँ, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो उन्होंने उस पर सक्रिय नहीं हुआ, योजनाओं का सही से योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं किया। पहली प्राथमिकता होगी कि जो भी अधूरी योजनाएँ हैं उसको आप पहले पूरा करेंगे। एकदम हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी अधूरा है, जैसे नल जल है, जल संरक्षण है, पर्यावरण की ये है, वो सब हम पहले करेंगे। और जनता का हर संभव प्रयास से जो भी सुविधा सरकार की तरफ से मिलता है उसको मुहैया करेंगे। कितना जी, हम आपसे योजनाओं के बारे में, पंचायत के विकास के लिए सरकार की एक योजना है सात निश्चय में ही पंचायत की जो भी विकास है उसी में समाहित है। हम सात निश्चय पर विभिन्न योजनाओं पर बारी बारी से आपकी राय जानेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं, आप पंचायत चुनाव में राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार काम करते आ रहे हैं, आपके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो उल्लेखनीय है वो जनता के सामने आनी चाहिए। बराबर, तो आपके द्वारा ऐसा कौन सा काम किया गया है इन 10 से 11 सालों में? देखिए हमने बहुत सारे धार्मिक स्थलों में सहयोग किए हैं, जैसे कि हमारे गांव में 2 मंदिर का निर्माण हुआ है जिसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे हमारे पंचायत में फेमस जगह है महंत सिद्धिगिरी का स्थान, जो मलकिया महंत सिद्धिगिरी का स्थान से प्रसिद्ध है और बहुत काफ़ी सालों पुराना है जी। वो भी बहुत उनकी जर्जर हालत था, जो कि हमने थोड़ा सा सहयोग करके उनका सहयोग किया और शुरुआत की। आज की डेट में बहुत सारे वहाँ पे ऐसे मंदिर चमक गया जो कि देखने लायक है। पंचायत का जो ऐतिहासिक स्थल है, जो धरोहर है जो खंडहर बन चुका था, आपने उसको सहेजने का काम किया। आज की डेट में आप जाके वहाँ देख सकते हैं, जो महंत स्थान लग रहा है कि आज महंत स्थान है। और ये धरोहर जो था मलकिया पंचायत की धरोहर जैसी जो थी वो सुचारू रूप से है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में देखिए जो भी जनता का हमने भ्रमण करते हुए जो भी हमें काम मिला, जैसे कि किसी बुजुर्ग का वृद्धा पेंशन का काम नहीं हुआ था, किसी का राशन कार्ड का काम नहीं हुआ था, किसी का इंदिरा आवास में पैसा रुका हुआ था, वो सब हमने सुचारू रूप से जो भी हमारे पास मिला केस उसका हमने सॉल्व किया है, उनका निवारण किया हमने ईमानदारी पूर्वक। चुनाव हारने के बावजूद भी समाज सेवा में निरंतर सेवा में लगे हुए। अगर आप चुनाव के मैदान में आ गए हैं, जनता ने अगर आपको समर्थन दिया, पंचायत में अपनी सरकार बनाए, तो पहला ऐसा कौन सा आप काम करेंगे जिससे आपके पंचायत में जो काम पाया जाए, तो सबसे पहले उसको है जो भी योजना है उसका सही से क्रियान्वयन हो। जो आप बता रहे हैं कि अधूरा पड़ा हुआ उसको क्रियान्वयन सही से करने के लिए आपके पास आपकी पहली योजना क्या है? देखिए सबसे पहले योजना हमारा है जो सब गली नली का सही से मतलब ये सुचारू रूप से उसमें काम किया जाएगा। किसी भी कार्य को सुचारू करने के लिए उसका एक व्यवस्थित चैनल होना जरूरी है, एक व्यवस्थित दफ्तर कार्यालय होना महत्वपूर्ण है। आप बताएं कि आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनी है या नहीं? अभी तक हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पंचायत भवन सरकार का निर्माण होना चाहिए और उसमें पंचायत का जो हम समिति गठन करेंगे, जैसे वार्ड पंच हुआ, हम खुद भी रहेंगे वो समिति बना के, और हर एक वार्ड से सही रिपोर्ट मिलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। पंचायत सरकार भवन बने ताकि लोगों को पंचायत में ही सारी सुविधाएँ मिल जाए। हम आगे बात करेंगे सात निश्चय योजना जो पंचायत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने एक योजना बनाई है सात निश्चय जिसमें पंचायत का संपूर्ण विकास करना है। सात निश्चय योजना में सीएम का महत्वाकांक्षी योजना है नल जल। आप पहले बताएं कि आपके पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है? देखिए नल जल योजना सुचारू रूप से नहीं काम कर रहा है,
कहीं कहीं पे है और आधा से अधिक जगह पे अभी तक पूर्णतः लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए नल जल का वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपसे क्या उम्मीद करोगे? देखिए, हमें जनता अगर मौका देती है तो हम 100% गारंटी के साथ कहेंगे कि जो लाभ सभी जनता को मिलना चाहिए वो लाभ जनता को मिलेगा। बात आती है सात निश्चय योजना की, जो सेकेंड महत्वपूर्ण योजना है गली नली। अब बताएं, आपके पंचायत में गली नली की क्या स्थिति है, आप इसे कैसे क्रियान्वित करेंगे? देखिए, नाला का अभी तक हमारे पंचायत में तो मैं पूरा भ्रमण किया हूँ, 1 से 13 वार्ड तक कहीं भी नाला का निर्माण नहीं किया गया है, जिस वजह से बारिश के समय में बहुत जगह ऐसा है कि जल जमा हो जाती है, जो जनता को काफ़ी प्रॉब्लम मतलब दिक्कत होती है कि एक जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि भाई पानी को यहाँ से निकासी का द्वार और चाहे नाला बनाना पड़े या जैसा भी सुविधा होगा वो हम मुहैया करवाएंगे। बाकी जगहों पे जहाँ पूरी सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाएगा, जैसे बहुत जगह पे जो गली है, छोटी छोटी गली है, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया गया अभी तक, तो वो भी काम हम अपने जो सरकार के योजना के अनुसार होती है वो जरूर हम करेंगे। जितनी भी गलियाँ हैं जो मुख्य सड़क से दूर है, जुड़ा हुआ है, उसको आप जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे अब जल जीवन हरियाली, सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जल और पर्यावरण संरक्षण रहने के बाद और जल मिलने के बाद ही मानव जीवन संभव है। सरकार ने एक योजना बनाई है उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए और जल संचय के लिए, आपके पास क्या योजना है? जल संचय के लिए हम जहाँ पे जैसे तालाब है उनका मान लीजिए भर गया है, उनका सही से सफाई करेंगे, सफाई करके उनका सही से इस्तेमाल होगा और वृक्षारोपण का काम है जैसे पर्यावरण के इसमें, तो वृक्षारोपण का भी अधिक से अधिक काम किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, जल संचय के लिए तालाबों के लगाया। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पुराने पेड़ हैं, जिस पेड़ के नीचे अभी हम आप लोग बैठे हुए हैं, एक धरोहर है, गाँव की धरोहर है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, उनको सहेजने के लिए आपके पास कोई योजना? जैसे देखिए क्या होता है कि जो पुराने पेड़ है उनके जड़ से मिट्टी हट जाता है, वो उसमें मिट्टी डालने का काम किया जाएगा जो कि उनको सही से उनका पोषक तत्व ज़मीन से मिलता रहे और जो जो सूखने वाला है वो सूखने नहीं दिया जाए। अगर जरूरत पड़े तो केमिकल या जो भी उनका मेडिसिन का उपयोग होगा वो भी किया जाएगा। जो धरोहर है हमारे को बचाने का, उसको बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जल संचय के बहुत सारे माध्यम हैं, उसके डबल फायदे भी हैं। आपकी पंचायत में हम देख रहे हैं, जब जहाँ पे हम आप बैठे हुए हैं बगल में एक नहर है, नहर के माध्यम से आप किसानों के खेतों तक पानी भी पहुँचा सकते हैं। जल संचय इसके लिए आपके पास योजना? देखिए, मेरे पास तो योजना नहीं है, सरकार से जो संभव योजना होगी उस हिसाब से हम जनता को सेवा के लिए जो सुविधा होगा वो मुहैया कराने का काम करेंगे। सरकार ने अपनी योजना बना के पंचायत सरकार को दे दी है और पंचायत सरकार का ये काम है कि उस योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करें। तो इसकी प्राथमिकता में होगी कि आपके पंचायत में जो भी नहर है उसका सही से उड़ाई हो, प्रॉपर वहाँ से जहाँ पे किसानों के खेतों तक पानी पहुँचे, खेतों तक पानी जैसे कि कहीं पे बम्बा नहीं दिया हुआ है जो कि पानी का निकासी नहीं हो पाता है, मतलब पानी नहर से नहर दूसरे जगह चले जाते हैं, जो जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे भी हम बम्बा वगैरह सरकार से ये करके वहाँ पे जो निर्माण हो गया तो वहाँ पर पाइपलाइन की सुविधा करनी है वो भी मुहैया करने का काम करता है। बात आती है सामाजिक सुरक्षा की, सरकार सीधी राशि लाभुकों के खाते में दे रही है, लेकिन पंचायत सरकार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि गांव में जो बुजुर्ग हैं, असहाय है, विधवा है, विकलांग, उनको योजना की लाभ मिले, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, सबसे पहला तो हमें जनता अगर मौका देती है तो हम पूरे पंचायत में पहले सर्वे करेंगे जो किन किन व्यक्तियों को जैसे बुजुर्ग है, विकलांग है, महिला है, विधवा है, जो सरकार की तरफ से जो योजना के तहत उनको फायदा मिलना चाहिए वो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उनका हम सर्वे के हिसाब से करेंगे और जिनको नहीं मिला है उनको
सात निश्चय योजना का एक महत्वपूर्ण पार्ट है आवास योजना, पक्का मकान हर गरीबों को, छत विहीन परिवारों को पक्का घर हो, उसकी छत हो, उसका एक छत हो। क्या आपको लग रहा है कि आपके पंचायत में आवास योजना सभी को मिला है या जो बाकी है उसके लिए आपकी क्या योजना? देखिए, ये बात जरूर है कि आवास योजना का लाभ बहुत सारे जनता को मिला भी है और जिनको नहीं मिला है हम कोशिश करेंगे कि उनको भी मिले। और इसमें देखा गया है कि जो उनका हकदार है, जो सही तरीके से लाभुक है, सही लाभुक है, उनको कहीं कहीं के नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है, उसको भी हम सर्वे करके अगर हमें जनता मौका देती है तो उसमें भी हम सर्वे करेंगे और सही लाभुकों को पहला प्रायोरिटी में उनको हम इंदिरा आवास मुहैयाकरण का काम करेंगे। जो जरूरतमंद पंचायत को स्वच्छ बनाने की जवाबदेही पंचायत सरकारी योजना बहुत जल्द ला रही है और एक नैतिक जवाबदेही भी है कि अगर आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका पंचायत स्वच्छ बने। सबसे पहले आप भी बताएं कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, अभी तक शौच मुक्त हमारे हिसाब से तो नहीं हो पाया है। सभी घरों में शौचालय का सभी घरों में नहीं है, अभी भी नहीं है। आपका पहला प्रयास होगा कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त? शौच हम देखिए, हम कोशिश करेंगे कि शौच मुक्त पंचायत बने और कोई भी महिला खुले में शौच ना करें या पुरुष जो भी है नहीं जाएंगे। इसके लिए जो भी सार्वजनिक शौचालय हो या घर घर शौचालय हो उसका हम प्रायोरिटी बेसिस पर काम करेंगे और उनको पहले वो मुहैया कराने का काम करेंगे। महिलाओं की मान सम्मान की रक्षा के लिए उसके घर में शौचालय जरूरी है और पंचायत को स्वच्छ बनाना भी स्वच्छ बनाना। आप चूँकि एक शिक्षित हैं, युवा समाज से भी है, शिक्षित हैं, आप इस बात को भली भांति जानते होंगे किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। पहले आप ही बताएं कि आपके पंचायत में जो शिक्षा का बेसिक है, व्यवस्था है, वो ठीक है या अगर कमी है आप इसमें कैसे सुधार लाएंगे? देखिए, हमारे हिसाब से हमारे 13 वार्ड में एक वार्ड ऐसा है जहाँ पे अभी तक सरकारी मतलब स्कूल नहीं है वो वार्ड में, खाली जो दूसरे पंचायत के वार्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए, बाकी सभी वार्डों में स्कूल है। हाँ, ये बात जरूर है कि सब स्कूल में नहीं दाखिला ले पा रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है तो नहीं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि हर गार्जियन को ये प्रेरित करेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनको सही तरीके से शिक्षा दिलाएं, पढ़ाएं लिखाएं, जो फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति की भी निगरानी जरूरी है। हाँ, और उसमें जहाँ पे जो दिक्कतें हैं, जहाँ पे विद्यालय नहीं है वहाँ पे भी विद्यालय सरकार के द्वारा गुजारिश करके बनवाने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी विद्यालय होना चाहिए। मड़किया एक ऐतिहासिक स्थल है, प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ पंचायत है, प्रसिद्ध है काफ़ी। विकास के अलावे क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा पंचायत एक मॉडल पंचायत बने? गांधी जी का सपना है आदर्श गांव ग्राम स्वराज, तो आपकी क्या सोच है अपने पंचायत के लिए? देखिए, हम तो यही सोच लेके आए हैं कि हम अपने पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएंगे, सबसे अच्छा पंचायत बनाएंगे। और जहाँ तक मुख्य कारण है हमें पंचायत स्तर को उतरने का, यही एक मुद्दा है। पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए आप चुनाव के मैदान के मैदान में आए हैं, कैसे बनाएंगे फिर पंचायत को मॉडल, इसके लिए क्या सब कार्य योजना तैयार की है? देखिए, सरकार तो अपने तरह से सब योजना देते हैं जो कि पंचायत मॉडल पंचायत बने, सिर्फ हम वही कार्य सुचारू रूप से जो योजना है उनको क्रियान्वयन करेंगे और पंचायत को जो भी सुविधा है वही हम करेंगे। सरकार की जो योजना है अगर उसका सही से क्रियान्वयन हो जाए तो पंचायत मॉडल बन जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये तो जब वहाँ पे सब देखेंगे कि कहाँ क्या जरूरत है तो उस हिसाब से जो भी हमारे से होगा वो हम जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ सरकार की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन हो जाए तो हमको लगता है कि मॉडल पंचायत बन जाएगा, जो पंचायत की समस्या है उसका खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम आपसे जाते जाते एक सवाल पूछेंगे, आप 10 सालों से सक्रिय हैं और चुनाव के दरमियान आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं,
पहली समस्या आपके सामने कौन सी आई? जब जा रहे थे तो हमको हिम्मत नहीं हुआ जो उठ के हम जा सकते हैं जी। जो खाली पैर भी जनता नहीं चल सकती है वहाँ पे, ऐसा स्थिति था। अब वर्तमान मुखिया जी उसके लिए सही दिशा निर्देश में अपना क्या प्रयास किए वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमको लगता है कि सही रूप से प्रयास किया जाता तो ये हालत आज उस रोड की नहीं होती। जल जमाव की समस्या को आप पहले दूर कर लीजिए, सामने सामने बरसात आने वाली है, बरसात से पहले आप जल जमाव की समस्या से पंचायत को मुक्त करेंगे। चुनाव के समय में काफ़ी समय का अभाव है प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव के मैदान में आए हुए हैं, उनके लिए बावजूद आपने समय दिया हमारी खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी जनता मालिक को मेरा प्रणाम, और मैं आशा करूंगा कि एक बार हमें सही मौका दिया जाए और हम निश्चित रूप से प्रोमिस करते हैं कि आपका सही सेवक बनकर पंचायत का विकास करेंगे और एक मॉडल पंचायत बनाएंगे। अब जनता की बारी। पंचायत का ऐतिहासिक मठ मड़किया मठ 1600 ईस्वी तकरीबन 500 साल पुराना यह जगह, और यहाँ के महंत हैं, हम उनसे जानेंगे मठ के इतिहास पर, कभी हम विस्तार से बात करेंगे कि स्थिति पर कभी विस्तार से चर्चा होगी। अभी तो हम चुनावी यात्रा पर निकलेंगे, इस मठ के जो महंत हैं, सर क्या नाम बताया? महंत सिद्धिगिरी। महंत सिद्धिगिरी, चेला स्वर्गीय महंत शंभुगिरी, चेला स्वर्गीय महंत शंभुगिरी। सबसे पहले आप इस मठ के महंत हैं, पंचायत मड़किया पंचायत के अंदर में आता है, पंचायत सरकार की भी ये दायित्व होती है कि उनके क्षेत्र में उनके गांव में पंचायत में जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको सहेज बचा के रखना, इसके लिए आप बताएं कि जो निवर्तमान मुखिया है उनके द्वारा कितना काम किया गया है? कुछ नहीं, उनके द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, अब बर्बाद हो रहा है मठ को भी। आप गाँव के रोड देख लीजिए कि अगर थोड़ा थोड़ा मान लिया विधायक का है MP का है, जितना दिन से मुखिया है थोड़ा थोड़ा पाट पाट करके भी अगर बनता तो अब तक बन जाता रोड, लेकिन जर्जर हालत है यहाँ की मठ, ऐतिहासिक मठ। और उनके ऊपर भी लोग चाहता है कि चारों तरफ से नोच लें, अभी केवाला भी लोग करा लिया है सरकार, अगर जांच होगी केवाला का कि विनोद गिरी ने किसको किसको, तो केवाला ही पता चल जाएगा। यहाँ जो लोग हैं फर्जी तरीके से मठ की, जो 10 आदमी जो दबंग है अपने को, अपने लोग को केवाला भी करवा लिया है, और पूरा 60 एकड़ को ही लोग ने हड़पने के लिए, ये तो पब्लिक हमारे साथ है इसीलिए थोड़ा थोड़ा ठीक है, ये लोग सब कागज बना लिया है, अगर थोड़ा सा चेक हो जाएगा पकड़ाएगा तो सब पकड़ा जाएगा कि कितना आदमी बिना रसीद कर, 2 केवाला मेरे पास पकड़ाया है 1 बीघा का और 10 कट्ठा का जो हाईकोर्ट में जमा किए हैं, यहाँ भी ADO वगैरह कहाँ जमा किया है। मठ को बचाने के लिए मुखिया के द्वारा कोई कुछ नहीं, और बल्कि किसको है कि जल्दी ख़त्म हो जाए, यहाँ की तालाब वगैरह अब जमीन 5 बीघा लिखा लिया है, इस तरह से 10 आदमी मिल के 60 एकड़ को ख़त्म कर दिया है मुखिया के द्वारा ही। हाँ, ये अगर ठीक रहते तो ये नतीजा गाँव का नहीं होता, अगर प्रेजेंट मुखिया ठीक रहते तो ये गाँव का ये हालत मठ का या गाँव का नहीं रहता, नहीं रहता। ऐतिहासिक स्थल है, हाँ, सुंदर स्थल है, रमणीक स्थल है, अगर इस जगह का विकास कर दिया जाए, इस मठ का जीर्णोद्धार कर दिया जाए। हमने जीर्णोद्धार ही कराए हैं, कोई नया से नहीं बनाया है, लेकिन देखिए अभी तक भ्रष्ट, इनका बाउंड्री नहीं था, वो नहीं था, सब ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह ये बाबा जी मरे कि फिर हमारा हो जाए, ये लोग यही चक्कर में है। हाँ, मठ को हड़प लिया है सब, ये किसी तरह भगवान का मर्जी जो बच रहा है, और सबसे इसमें मैंने पहला काम है बर्बाद करने का ये मुखिया का, जो प्रेजेंट मुखिया है मुखिया के द्वारा ही। हाँ बस, हाँ कभी इधर कभी उधर पार्टी में हो जाते हैं, हमको किसी के यहाँ बेटा बेटी की शादी करना है, कोई मड़वा गाना है हमको, ये लोग हम 11 साल हो गया, हमारे गुरुजी को 17 साल हो गया 1994 से लेकर 2010 तक, और 11 साल हमको हो गया, 28 साल में ये लोग हम तमाशा देख रहे हैं, ये लोग का यही काम है, बाकी लोग बेकूफ़ है, समझता नहीं है, यहाँ के लोग पीने खाने वाला आदमी है, सवेरे उठता है लोग पीने लगता है, वो लोग तो जो चला का आदमी सोचता है कि अच्छा है, और सब ये जब करीब करीब पूरा ले लिया है ये लोग,
आप देख रहे हैं कि आपके बाद हाँ तो ये खत्म हो जाएगा, हम देख रहे हैं हमारे बाद इस खत्म हो जाएगा। इसको बचाने बचाने के लिए अगर सरकार हाँ इसको सरकार अपने अधीन ले ले पूरी जमीन पर, तब समझ में आ जाएगा। जो मकान बना लिया है दो चार कट्ठा है वो ठीक है, जो 5 बीघा 10 बीघा लिखा लिया है संपत्ति को, उसको सरकार अपने अधीन ले दे, उसे चेक होने के बाद पता चल जाएगा कि तुमने कैसे लिया मठ का जमीन को। सर गरीबों में बांट लिया जाए, गरीबों में बांट दिया जाए। सरकार अपना उचित निर्णय कि सरकार के ऑफिस बने, गरीबों में बांट दिया जाए। 10 बीघा एक आदमी का 5 बीघा कैसे हो जाएगा? एक इकट्ठा करके सबको घर द्वार बना दिया, ऑफिस बन जाए, सब कोई होना चाहिए सभी का। पंचायत सरकार की भी एक जवाबदेही थी जो नहीं हुआ, क्या लग रहा है कि कोई ऐसा पंचायत ग्राम प्रधान हो तो इसका भी संरक्षण हाँ करेगा? अगर ये बदलाव हो जाएगा, भगवान का कृपा हुई आई साल बदलाव होना है, हमको 85% लगता है कि बदलाव होना है, एकदम बदलाव होना। बदलाव होने के बाद निश्चित है कि सुधार होगा, जो आने वाले हैं सुधार करेंगे। हाँ इस मठ पर भी ध्यान देंगे। कभी हम आपसे इस मठ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो जल्दी है। देखिए अब आइएगा 6 महीने के बाद तो ये जाला चल जाएंगे, कहा होगा 75 पेज हो गया। अब आइएगा तो जल्दी आइएगा, पंचायत चुनाव का कार्यक्रम है, पंचायत चुनाव की जस्ट हाँ ठीक है लेंगे। हमको देखिए ये तो अभी चले आए आप गलती से, अगर थोड़ा पानी पड़ जाएगा आप जाइए रोड में, अभी तक कुछ नहीं है। अगर पार्ट पर 6 वार्ड था यहाँ, 6 वार्ड में इधर रोड में अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट भी बनता तो रोड बन जाता। इतना बढ़िया परिसर में तलाव है, सोचिए तलाव है, अभी तक एगो रामप्रीत पासवान आए जो कम से कम घाट बना दिए विधायक के द्वारा हुआ। एक पुराने घाट पर कम से कम 60-70 साल से है, उसको लोग रिपेयरिंग नहीं करता है। ये तो भगवान का कृपा हुआ कि बन गया। एक समुदाय भवन बना हुआ था दिलीप झा के टाइम में, तो बेचारा को हरा दिया तो रह गया पेंडिंग, तो हरिमोहन मंडल आए 1 साल तो वो इसको पूरा कर दिए। आज कम से कम किसी को मरनी जीनी बरात आता है तो उसमें हम बना दिए हैं बाथरूम समाज उपयोगी जगह। हाँ बहुत अच्छा बना दिया, संरक्षण जरूरी है, बहुत अच्छा जरूरी है। चाहते हैं कोई ऐसा यहाँ गांव का प्रधान बने जो इसका भी संरक्षण करे, संरक्षण करे। यहाँ पर एगो एम्बुलेंस लगा दे, रात को ड्राइवर तो बहुत है, गाड़ी रहेगा तो इमरजेंसी में ले जाएगा आदमी, लेकिन पंचायत को फायदा, पंचायत को फायदा होगा। लेकिन अभी जो प्रेजेंट हैं वो चाहते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए, हमसे पहले वही ख़त्म हो जाएंगे। जैसा चाह रहे हैं अपने जाएंगे, हमारा नहीं लेना। हमको देखिए डर नाम का चीज़ नहीं है, इसलिए कि लोग बर्बाद कर रहा है इस मठ को। हाँ अभी तो 5 बीघा जमीन तालाब लिखा लिया है कि मरेंगे तो हम ले लेंगे, तो अब देखिए हम बनने के पहले ही उपाय लगा देंगे। ठीक है, अपने उम्र तो लगी है 60 वर्ष के पार्क हो गई है, पेंशन भेटी है? ना कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन भेटी है। काम के विकास है कि मोहल्ला में गांव में सड़क बनल है मोहल्ला में, हां एक टाप कनी कनी बना दें के या दो गाना के घर लंग बनल है? ना ना ठीक छ ठीक छ, खाली बनल है ना, जल जमाव ना जल ना तो मिलत सामने है तो सड़क पर जल जमाव से यहां सब परेशान छिए। हां सेहो नहीं लगा ठीक आई बन जे पंचायत चुनाव होते केहन मुखिया के बदलाव चाहे छी हमरा तुरंत बदलाव चाहे छी ये काम ठीक छ ठीक छ। हां पश्चिम गांव भेल बुढ़ाई कानू आहा के नाम भेल, आहा के वार्ड में की सब समस्या है? समस्या रखिए जब नल जल यहाँ पर चलिए, नलो जल नहीं चलिए, गारि दल के मुखिया जी राम सागर राजा पड़ल छे भट्टी बैठल भट्टी बैठल छे। अच्छा रोड बनल छे कि नहीं? कुछ कुछ कोनो कोनो गली बनल कोनो गली अहिना छे अहिना पड़ते पड़। अहाँ के उम्र तो 60 वर्ष से ऊपर भ गेल है? बाबू ने 65 कर दे 65 भ गेल है। पेंशन भेटै या कि नहीं? नहीं भेटै है, मुखिया जी के कहली जे हमरा पेंशन दिया दिए, मर गेल मुखिया जी राम सागर कखनो लग जाइ छै। अखन काम सरकार छै ओकरे लग जाइ छै, काम सब जे नहीं किया लगे ओकरे काम लगे, ओकर नाम नहीं लगे। अहाँ के पेंशन नहीं दिए लगे? ताहि दुआरे अहाँ आक्रोश में एहन बात बाजि रहल छी। हर किछ के आग्रह सर बजि रहल छी, गरीब परिवार 20 साल लगा राज केलके राम सागर मुखिया की देखलके पंचायत के किछु नहि, एको बाजा दिए। अहाँ के आवास भेटल है कि नहि? आवासो नहि भेटल? नहि 20 साल से मुखिया जी छथि आ किछु नहि केलक? नहि यौ।